आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल को इतना प्यार दिया और अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए। इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहें जिससे कि हम और आप मिलकर इस चैनल को और आगे बढ़ा सकें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें जिससे कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो सकें। आगे बढ़ेंगे, आज हम करने जाएंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 22। आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, उसकी हमारी डेट है 14th दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम, आपका जो चैप्टर है उसका उसके बारे में। फन फैक्ट, डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग। लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड स्पून, सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स। आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीका होता है खाने का, जैसे कि हम इंडिया में अपने हाथों से या फिर चम्मच से खाना खाते हैं, इसी तरीके से जापान में लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। चॉपस्टिक आपको पता ही होगा, अब ये जो दो आगे लकड़ी बनी हुई है ये जो है इन्हें कहते हैं चॉपस्टिक्स। चलिए अब हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है, जल्दी से पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको पैराग्राफ के बिहाफ पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। द ओल्ड डेम दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, कुशन ऑफ अ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मूको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। द काइंड पीपल फीड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड। दस Treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. अब यहां तक मैं आपको समझा देता हूं। हमारे इस जो ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है अभी तक, इसमें एक ओल्ड कपल के बारे में बात की गई है जो इनके पास एक पेट है जो कि एक लिटिल डॉग है और उस डॉग का उन जो उनके ओल्ड जो कपल है उसके पास बेबी नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह रखते हैं और उन्होंने उसके लिए एक कुशन बनाया है वो भी ब्लू क्रेप से और उस डॉग का नाम है मूको। क्या नाम है? मूको। और वो उस डॉग को खाना खिलाते हैं, कैसे? अपने खुद के चॉपस्टिक से। तो खिलाते क्या है उसे? बॉइल्ड राइस या फिर फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tentosama, as the sun is called. O Tentosama का मतलब हो गया sun, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up in the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. अभी जो हमारा पैराग्राफ इसमें कहा गया है कि जो ये ओल्ड मैन है वो एक राइस फार्मर है और अपना जो हो होता है, हो मतलब एक यंत्र को कहते हैं हो, जो खेत में काम करने में काम आता है, मतलब खेत मतलब जो फार्मिंग में काम आता है। तो वो सुबह लेकर निकल जाते हैं और जब कब तक? शाम तक, जब तक सूरज ढल नहीं जाता। और डॉग जो है वो उनको रेगुलर फॉलो करता है जहां पर वो जाते हैं काम पर वहां तक। और उसके बाद जो ओल्ड फेलो है, मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड आदमी है, वो एक पेशेंट है और वो सब अपनी लाइफ को लेके बहुत ही काइंड है। और जो उनके फार्मिंग में जो उनका लैंड है वहां पर जो बर्ड्स आती हैं उनको वो खाना भी खिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर्स। हमें यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और यहाँ पर एक
पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें हमें इनको क्या करना है, इनको मैच करना है। अब हमें क्या, डायमियोस, डायमियोस का मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड यहाँ पर ये है लॉर्ड। हो स्पेड, अ लॉग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, मैंने आपसे कहा था हो जो होता है तरीके के फार्मिंग के लिए एक टूल होता है, तो वो है ये। ओ टेंटो सामा, अनदर नेम फॉर सन, वो है ये। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स कलीग्स हैं वो टॉपिक को अच्छे से समझ सकें और वीडियोस की हेल्प से अपने वर्कशीट को इजीली कर सकें। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के साथ, हुम डिड द ओल्ड कपल लव, ओल्ड कपल किसको लव करते थे, डॉग को। दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, वट वॉज द नेम ऑफ द पेट, क्या नाम था पेट का, मूको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।